मान रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मदीना शरीफ में मौजूद हूँ। तो आपको अंदर से अभी मदीना शरीफ अंदर जो कब्र मुबारक है ना, उनकी ज़्यारत कराता हूँ। यानी कि जो लोगों के लिए ज़्यारत की जगह छोड़ी हुई है ना, जिधर से आप लोग गुजरते हैं और ज़्यारत करते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। अंदर जो जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाऊँगा। ये देखते हैं, ये एंट्रेंस गेट है, इधर से आप लोग दाखिल होंगे। माशाल्लाह, ये तो ये देख लें, गेट के साथ ही आप इंटर होंगे ना, तो ये दरवाज़ा लगा हुआ है, ये एक कमरा नुमा है जी। तो ये लोग, मैंने अभी उस अरबी से पूछा है तो वो बोल रहा है कि इधर सिर्फ जनाजे रखे जाते हैं, तो जो लोग फौत हो जाते हैं उनकी, उनको मैयत की इधर रखी जाती है, नमाज जनाजा होता है हर नमाज के बाद। तो ये गेट है जी, देख लें आप, लिखा हुआ। तो ये अंदर मस्जिद, ये सीधा रास्ता है, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, जिन चीज़ों का मुझे इलम है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊं, वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं इधर से। अगर अंदर जाने देते तो मैं आपके साथ आपको ज़रूर दिखाता ये चीज़, ये वाले, ये देखना ये ऊपर से, इसको वैसे तो अंदर से अंदर अब जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये वो गुंबद है जी जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाद में आने वाले जो खुलफाए राशिदीन हैं वो इस मिंबर पर ही बैठकर खुतबा दिया करते थे जुमे का। ये देख लीजिए, तो आगे चलते हैं, अगर अंदर जाने देंगे इस तरफ तो मैं आपको इसकी ज़्यारत करवाऊंगा, लेकिन इधर अंदर नहीं जाने दे रही हूँ। ये देख, ये बंद किया हुआ है। ये तो ये देख लीजिए, ये जगह है जी, जन्नत के टोटों में से एक टोटा है ये जगह। ये तो ये देख लीजिए, ये इधर से शुरू हो जाता है जी गुफा शरीफ, जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कब्र मुबारक है। तो इधर से शुरू हो जाता है, मैं आपको अभी तफसील के साथ ये बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। तो ये देख लें, ये देख लें जी, अभी मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये देख लें, ये लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक इसके अंदर है। तो ये छोटा सा दरवाज़ा, ये देख लें, ये ज़्यारत के लिए छोड़ा हुआ है उन लोगों ने सुराग। तो इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी ज़ियारत के लिए ये छोड़ा हुआ है, ये छोड़ा हुआ है उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो उनकी ज़ियारत के लिए ये वो छोड़ा, ये उन, ये इधर से भी आप देख सकते हैं ज़ियारत के लिए एक सुराख छोड़े हुए हैं, लेकिन उधर अंदर जाने नहीं देते, ये इधर से भी ज़ियारत कर सकते हैं आप। तो इसके अंदर कब्रें मुबारक हैं जी, तो ये खारजी दरवाज़ा है, फिर आप देख लें। तो ये खारजी दरवाज़ा है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, जी तो ये देख लें जी, ये ऊपर गुम्बद शरीफ है, मैं आपको इस तरफ दिखा देता हूँ। जैसे ही आप मस्जिद शरीफ से खारजी दरवाज़ा, जो ज़ियारत का दरवाज़ा ना, उससे निकलकर आप बाहर आएंगे ना, तो अपनी दाएं तरफ ही घूमते जाएंगे तो आपको ऊपर से गुम्बद शरीफ दिखाई देगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, दाएं तरफ घूमते जाएंगे तो आपको गुम्बद शरीफ दिखाई देता जाएगा, ये देख लें। तो माशाल्लाह, देख लें आप,
मदीना शरीफ की ये वीडियो है, तो मैंने आपको अंदर से जितनी हो सके दिखाई है। फिर किसी दिन मैं आऊँगा ना तो फिर इंशाल्लाह दोबारा बनाऊँगा अंदर से वो जो मिंबर शरीफ है उसकी भी, तो अभी तो उधर जाने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए ये मैंने सीधा सीधा जो रास्ता उन लोगों ने छोड़ा हुआ है उधर से ही बनाने दे रहे हैं, उससे आगे ये लोग नहीं बनाने दे रहे बिल्कुल।